अभी काफी भीड़ आएगी एक साथ। होगा पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत मस्त था, प्रसाद सर का पढ़ाया, सब कुछ आ रहा था और प्रशांत सिंह के पेपर अच्छा से पढ़ा। ओवरऑल कितने अटेम्प्ट करे पेपर? तो सभी करके आया सर। पूरे करके आए? पता नहीं क्वेश्चन कितने आए, नंबर कितने आएंगे। बढ़िया आएंगे। कैसा रहा पेपर? बता दो बातें पेपर के बारे में, कैसा लेवल आ रहा है? यस तो इजी आ गई, ज्यादा हार्ड नहीं है। और मैथ्स? मैथ भी नॉर्मल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बच्चे थोड़ा सा एडवांस अरिथमेटिक? हाँ वो भी नॉर्मल, बेसिक आपका सही है तो हो जाएंगे। कौन सा ज्यादा आ रहा है, एडवांस या अरिथमेटिक? अरिथमेटिक अरिथमेटिक ज्यादा आ रहा है। और इडियम्स जो आपने पढ़ाया से वही आए हैं? इडियम्स वही आए हैं, नॉर्मल, कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलो चलो बढ़िया, ब्लैक एंड व्हाइट ही है, नॉर्मल ही है। और टोटल ओवरऑल ग्रामर का सेक्शन? ग्रामर भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कितने अटेम्प्ट ठीक अटेम्प्ट है आपके साथ? 22+22 इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में। और ओवरऑल? ओवरऑल आपके 75+। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। बहुत बहुत बधाई आपको फ्यूचर के। हाय सर, आई एम अ स्टूडेंट। कैसा रहा पेपर? इंग्लिश बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। और ओवरऑल एग्जाम? ओवरऑल मेरा मैथ्स का उतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, फिर भी अच्छा था। अच्छा, नाइस टू मीट यू। कितने कितने अटेम्प्ट थे? मेरे 78। बहुत इंग्लिश तो अच्छी थी। पूरी हो गई? पूरी हो गई, एक क्वेश्चन छोड़ा है। बाकी सब्जेक्ट सर मैथ्स भी इजी था, मेरी जीए थोड़ी कमजोर है तो फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली 15 करा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने टोटल? 85। करंट से कैसे क्वेश्चंस आए? सिर्फ करंट अफेयर का, तो मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा। आईपीएल वाईपीएल से कुछ नहीं आया होगा? वो आते भी नहीं है वैसे। और इलेक्शन से भी रिलेटेड कुछ दिखा नहीं होगा? बाकी क्वेश्चन जैसे आर्य समाज किसने फॉर्म किया था, और एक दो साइंस के क्वेश्चंस थे, और कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चंस थे, जैसे कि एवरेज फंक्शन को बोलोगे तो कौन से ऑप्शंस होते हैं, और जर्नल भी सर बहुत ज़्यादा डीप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और एक दो इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चन। बाकी मैथ्स में अरिथमेटिक ज़्यादा था एडवांस? सर एडवांस तो कम ही था सर, कितने अटेम्प्ट रहे आपके? बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे देखा है। एग्जाम अभी हो गया? हो गया भाई, हो गया। कैसा रहा? एकदम बढ़िया। बढ़िया, कितने करे क्वेश्चंस? क्वेश्चन 62। 62 जी। अच्छा, एक बार मॉडल का तभी ऐसे जीके में क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट। अच्छा, और तुम्हारे मैथ में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, और तुम्हारे एसआई, और बाकी रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग बेहतरीन बेहतरीन, 24 क्वेश्चन अटेंड करे। 24? अरे जबरदस्त, बाकी बढ़िया बढ़िया करते रहो ऐसे, बढ़िया आगे तक बढ़िया होगा। सीरियल का अटेम्प्ट बढ़ रखा है, इंग्लिश हो जाएगी सीरियल तक बढ़िया से। रंजन सर से मैथ पढ़ रखा है, और उनसे रीजनिंग पढ़ रखी है, इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, सीरियल देना ये वाला। इंग्लिश पढ़ो बढ़िया से, बैच से पढ़ना है तो ब्यूटी बैच ले लेना, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ लो, और किताब ले लो, किताब अभी दे देंगे आपको, किताब लेके आए हूँ मैं, आपको दे दूँगा। अच्छा ठीक है, आप लाओ। हाँ लाओ। बाकी गुरु जी क्या कहना है, कमेंट वमेंट छोड़े तो पहुँच जाते, कैसे संपर्क होगा तुमसे, हम तो बड़े परेशान हैं। मुँह तो गया बढ़िया, साक्षात और कितना बढ़िया संपर्क चाहिए। अभी है पेपर या हो गया? हो गया। कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। कितने अटेम्प्ट करे? 78। और इंग्लिश? इंग्लिश बढ़िया बढ़िया थी। कितने अटेम्प्ट इंग्लिश में? 18। कैसी रही वो कैब? ग्रामर बढ़िया रही सर, पर मैथ बिल्कुल लाइट था सर, मैथ ज़्यादा लाइट था। रीजनिंग? रीजनिंग में बढ़िया सर, मतलब क्वेश्चन फंसा रहे थे या प्रीवियस ईयर जैसे थे? नहीं सर बिल्कुल हल्के क्वेश्चन। अच्छा हल्के थे, चलो बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा पेपर? थैंक यू। पेपर कैसा रहा? अच्छा था। इंग्लिश कितना करा? इंग्लिश बताओ। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करे। अच्छा 20। सर मैंने आपसे पढ़े था, वन पार्ट पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था। थैंक यू। तो रिव्यू भाई यही है, ओवरऑल बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लिया, अटेम्प्ट जो बता रहे हैं आई गेस 75-80 मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 95+ भी बता रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा भी था जिसने पूरे के पूरे करके भी आए हैं। तो
अटेम्प्ट वही है 85 अच्छा अटेम्प्ट है, मतलब 80-85 तो बहुत बहुत अच्छा अटेम्प्ट है अगर एक्यूरेसी ठीक है। बाकी अगर अच्छी एक्यूरेसी से कर रहे हो तो 75 भी आपका ठीक ठाक अटेम्प्ट है यहाँ पर, जिस तरीके का पेपर बच्चों ने जो पहला रिव्यू आया है सामने से। बाकी अभी और भी शिफ्ट हैं, और भी चीज़ें हैं, उन पर भी डिपेंड करेगा सारा चीज़ें। अगर मैं ओवरऑल सारे पेपर का रिव्यू करूँ तो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा कुछ नया नहीं पूछा गया है, जैसे पहले चीज़ें आ रही थी वैसे ही आ रहा है, क्योंकि वेंडर भी सेम ही है, सारी चीज़ें आपकी सेम रही हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस पहले आते थे सेम वैसे ही सारे प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो रीजनिंग में कोई ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे गए हैं, जो पुराने टाइप के थे वही टाइप्स पूछे जा रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पर अच्छे से कमांड कर रखी है तो आप बहुत अच्छा पेपर करने वाले हैं। जीएस की बात करें, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं बता रहे हैं अब की बार, हालांकि कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन बताए गए बच्चों के द्वारा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे जो आपके प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। स्टैटिक का भी काफ़ी पार्ट बता रहे हैं बच्चे, तो नॉर्मल पेपर है। बाकी आईपीएल वगैरह, इलेक्शन वगैरह, इनसे कोई क्वेश्चन आपके नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में अरिथमेटिक जो है वो डोमिनेटिंग सेक्शन रहा है आपका, ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स के कम ही क्वेश्चन है, अगर 25 में से ज़्यादातर बच्चे जो बता रहे हैं 6-7-8, हालांकि मुझे लगता है 10 तक क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चे उतना प्रिसाइसली याद नहीं रख पाते नंबर को, एटलीस्ट 10 तो होंगे। बाकी अगर इंग्लिश की बात करते हैं सब आसान है, ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे थे कि जो आपने पढ़ाया उसके बाहर कुछ आया नहीं है, तो आसानी पेपर है। रैंकर्स बुक 3.0 जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने उस टाइम पे आपसे बोला था कि जो आगे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें एक भी बाहर से नहीं आएगा। आपने बच्चों का रिव्यू भी देखा, मैं खुद की जुबान नहीं, बच्चों ने भी खुद यही कहा आगे कि वहाँ से बाहर एक भी नहीं आया है, तो आराम से पढ़ते रहें, तसल्ली से, कोई दिक्कत ना लें, और बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें करते रहें। भाई जिन जिन का पेपर है बढ़िया से करना पेपर, अभी जिनका पेपर है। अच्छा सर, नमस्ते, थैंक यू सर। मार रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, एक उसकी भी तेज उसके साथ तेज ले ले, इंग्लिश का रामबाण इलाज। हाँ, एक इसके लिए।